यूट्यूब वाली दुकान पर वेलकम दोस्तों। ये अपनी लेनी है या नहीं सब जान जाओगे का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी की जो बैड चीज़ें हैं जो मुझे खासकर अच्छी नहीं लगती, शायद आपको भी नहीं लगी, उसके बारे में। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ है इस गाड़ी की जो निगेटिव में आएगी, इस गाड़ी की पावर। दोस्तों पावर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी अभी देखिए गाड़ी ये थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ है, तो अगर आपने पहले गियर में गाड़ी को बिना एक्सीलेटर के उठाएंगे आप तो ये उड़ जाएगी और इजली चली जाएगी। लेकिन अगर ये गाड़ी उल्टी खड़ी रहे और उसको अगर ऊंचा आपको चढ़ाना है तो आपको पहले गियर में बिना एक्सीलेटर को पुश किए आप उसको चढ़ा नहीं सकते, गाड़ी बंद हो जाएगी लेकिन चढ़ेगी नहीं। और एक चीज़ ये है पावर में कि अगर आप वहीं पर ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको गियर डाउन ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि गियर को बिना डाउन किए मैं ओवरटेक कर लूँ तो मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये इसकी पहली प्रॉब्लम है। और जो दोस्तों दूसरा इस गाड़ी का मेजर इशू है मेरे हिसाब से वो है इसकी हाइट। हाइट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन फुट स्टेप के ऊपर जो ये चीज़ है इसकी लेंथनिंग थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए थी क्योंकि गाड़ी कभी कभी मुझे दबी हुई लगती है। और हाँ इसमें रूफ रेल्स तो लगे नहीं है तो इसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी 5 mm तो और ऊँची बनानी चाहिए थी। मैं बॉडी की सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी 5 mm और ऊँचा होना चाहिए था, इससे थोड़ा सा लुक पर और इफ़ेक्ट पड़ जाता। और इस गाड़ी का जो एक और प्रॉब्लम है दोस्तों इसका बैक गियर का इशू। बैक गियर का इशू मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। बैक गियर का इशू मतलब कि देखिए सुबह की टाइम है, गाड़ी को अगर आप डायरेक्टली बैक गियर पे लगाओगे तो गाड़ी का बैक गियर इजीली लगेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको इस गाड़ी को फर्स्ट पे लेके जाना है, फिर इसको बैक करके ला के तब आप इसमें बैक में लगा सकते हैं। देखिए इसे इस तरह से फंसता है, क्लच दाब के रखेंगे तभी फंसेगा। तो ये इसका दूसरा प्रॉब्लम है। और इसका एक प्रॉब्लम मुझे और समझ में आता है जो कि इसकी लॉक से रिलेटेड है। लॉक का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मान लो अगर आपकी जेब में की है गाड़ी आपकी लॉक खड़ी है, तो अगर आपने अनलॉक का बटन प्रेस किया तो गाड़ी का सिर्फ ड्राइवर का ही डोर अनलॉक होगा। आपको सभी गेट को अनलॉक करने के लिए ड्राइवर की सीट पर जाना होगा और ये बटन क्लिक करना होगा, उसके बाद ये गाड़ी अनलॉक होगी। तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आपने बटन को पुश किया अनलॉक बटन तो सारी खुल जानी चाहिए। ये एक दूसरा इशू है जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके तीसरी चीज़ की बात करूँ तो जो मुझे पसंद नहीं आया इसके स्पीकर जो इसके हैं सिर्फ दो हैं जो कि काफ़ी लो क्वालिटी के हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़िया अगर आप डाल रहे हो तो कंपनी का आइटम है तो ये अच्छा ही होना चाहिए। और बेस मॉडल में आपने देखिए कंपनी ने रिक्वेस्ट सेंसर तो दे दिए हैं, सीट को हाइट ऊपर नीचे करने का सिस्टम, ये स्टेयरिंग भी आपकी ऊपर नीचे अंदर बाहर होती है, तो इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी ज़रूर देना चाहिए। एक ये मुझे इस गाड़ी में अच्छा नहीं लगा। तो एक इसकी और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। जैसा कि अपने सुजुकी का जग जाहिर है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में ये काफ़ी कंप्रोमाइज़ करते हैं, चाहे इसकी ये टीन की बात करें या इसके अंदर यूज किए गए प्लास्टिक की बात करें, वो सभी सारे लो क्वालिटी के हैं। तो इसमें ज़रूर कंपनी को ध्यान देना चाहिए ताकि गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग सिर्फ सीट बेल्ट से एयरबैग से नहीं आती दोस्तों, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों एक इसकी और प्रॉब्लम है, गाड़ी तो कंपनी ने काफ़ी बड़ी बना दी लेकिन इस गाड़ी के जो अंदर का थीम है वो सभी कंपनी ने डार्क रखा हुआ है। देखिए एक बरमंडी कलर में और ये ब्लैक, और अंदर की सीटें भी सेम उसी तरह की पैटर्न की हैं। हाँ लेकिन दोस्तों स्पेस का इश्यू तो मुझे लगता है। और रहेगी बात गाड़ी में अगर कोई 6 फीट का बंदा बैठे तो उसके असर ज़रूर लगता है इसके अंदर। तो ये एक गाड़ी का प्रॉब्लम है और गाड़ी के डार्क थीम के नाते गाड़ी का थोड़ा सा स्पेस कम लगता है। तो ये चीज़ कंपनी को ध्यान में रखनी चाहिए थी। अगर आप सोचेंगे नहीं 5-3 बंदे पीछे बहुत इजीली बैठ सकते हैं तो उनको बिल्कुल अनकंफर्ट तो फील होना ही होना है, क्योंकि अगर नीचे यहाँ पे फ्लैट में अगर आप देखेंगे इसके तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी उठी हुई है। तो दो बंदों का पैर अगर यहाँ पर आएगा, दो का वहाँ आएगा, तो एक बंदे का पैर एक इस साइड पर एक इस साइड पर, तो उनको बैठने में अनकम्फर्ट फील होगा दोस्तों। और इस गाड़ी का जो मुझे एक और मेजर इशू लगा है दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी की हेडलाइट की। DRL तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी साफ जलते हैं, लेकिन जो इसकी हेडलैम्प है, हेडलैम्प रात में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। प्रोजेक्टर तो उन्होंने डाल दिया है लेकिन इसमें सिर्फ हैलोजन दिया है। तो दोस्तों ये हैलोजन आपको रात में काम उतना नहीं आएगा, आपको इसमें LED इंस्टॉल करवानी ही पड़ेगी। सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई ये भी जो मुझे मेजर जिसमें प्रॉब्लम्स लगी, अगर आपको ये सारी चीज़ें चल जाएंगी तो आप बिल्कुल इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं, गाड़ी नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। लेकिन ये जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको इसके सभी और चीज़ें क्या क्या लगवा सकते हैं जिससे गाड़ी टॉप को टक्कर दे सके उसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू सो मच। अगर इसका आपको पॉजिटिव जानना है तो आप इसका पहला वीडियो दे सकते हैं जो कि मैंने पार्ट 1 बना कर डाला है।
थैंक यू।